बिहार टुडे न्यूज, हम है बिहारियों की आवाज। बिहार की गया से बड़ी खबर आ रही है, हैवानों ने हैवानियत की हद पार कर दी। 7 वर्ष की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म में, बच्ची की हालत नाजुक। बेहतर इलाज के लिए गया के मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज खबर गया से आ रही है। हैवान ने महज 7 वर्षीय आबोद बच्ची के साथ बलात्कार किया। गया पुलिस बलात्कारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन दुष्कर्मी फरार है। इधर गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अबोध बलात्कार की पीड़ित बच्ची जीवन और मौत के बीच जूझ रही है। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के आईसीयू बलात्कार की पीड़ित बच्ची का चिकित्सीय देखरेख में इलाज किया जा रहा है। इस घटना के बाद गया के लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। पुलिस की टीम बलात्कारी को गिरफ्तार करने के लिए संघन छापेमारी कर रही है। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीड़िता की स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए गया के सीनियर SSP हरप्रीत कौर, एडिशनल SP सहित कई आला पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं। वहीं इस संबंध में गया SSP हरप्रीत कौर ने बताया कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुई है। अभी बच्ची की इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया जा रहा है। पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है और जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। छोटी बच्ची के साथ रेप की घटना प्रतिवेदित हुआ है, तो अभी उसका इलाज यहाँ चल रहा है। बाकी का इन्वेस्टिगेशन है जो वो हम लोग कर रहे हैं, जो अक्यूज है उसका आइडेंटिफिकेशन करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी तो हम इतना ही बता सकते हैं, आगे कोई डेवलपमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? अभी हम उसके बारे में अपडेट आपको नहीं दे पाएंगे, जैसे ही कोई आगे प्रोग्रेस होगा तो हम आपको जरूर। परिजनों ने कुछ इन्फॉर्मेशन अभी दी है, उसको भी हम इन्वेस्टिगेशन के मॉडल से भी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जैसे भी कोई कॉन्क्रीट हमारे पास अपडेट होगा मैं खुद ही आपको अपडेट कर दूँगा, प्रेस भी अपडेट दे दूँगी आप। अभी उसके बारे में मैं नहीं बता सकती, ठीक है। तो मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं चाहते कि जिससे हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस केस को हम स्पीडी ट्रायल में ले लें। तो इसलिए अभी जब तक हमारी जांच चल रही है, कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं आ जाती हैं, तब तक हम आपको वेट नहीं करते।